पुरानी पुरानी कहावत या गीत का हिस्सा है, नानक नाम जहाज है, नानक का नाम का जहाज है खड़ा हुआ है। वैसे ही हम कह सकते हैं प्रणव नाम जहाज है। अभी भाई साहब आए हुए, लंगर डाला हुआ है, लंगर डाला हुआ है डेढ़ दिन के लिए। और वैसे तो सब लोग कह रहे हैं कि साहब डेढ़ दिन से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 दिन लंगर डालें हो। और लेकिन ये ज्यादा दिन इसलिए नहीं रुकते कि और भी जगह जाना है और लोगों को पार लगाना है। एक बात तो पक्की है कि भाई साहब कहेंगे आपको, अपने प्रवचन का विषय ही है कि गायत्री परिवार के लोगों को सांचा बनना है, दही का जामन बनना है। और जैसे वैसा बनना है जैसे दूसरों को बनाना है। सांचा तो अपने जैसे खिलौने बनाता जाता है लाखों की संख्या में। गायत्री परिवार के भाइयों बहनों को देख करके दुनिया सीखे, यार कितने हंसते खेलते लोग हैं, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन खुशी तो बहुत ज़्यादा है, प्यार कितना बांटते हैं, कितना कुंठा से रहित जीवन है, देवताओं जैसा। उनके पास बैठो तो शांति मिलती है, उनके पास बैठो तो सद्गुणों की सुगंध आती है, उनके पास बैठो तो उठ करके जाने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है सद्विचारों के स्वर्ग की अनुभूति होती है। ऐसा गायत्री परिवार को, हर भाई बहन को होना चाहिए। बनने का तरीका तो बहुत, थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी, एक दिन में तो आप नहीं बन सकते, पर एक प्रोसेस तो है। 9 दिन की साधना जो शांति कुंज में होती है वो एक प्रकार से पूरा कोर्स है, उसमें से आए तो आप ऐसा कुछ बनने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और चाहे तो अपने घर को कुछ साधनामय बना लें, जीवन को तो भी ऐसा हो सकता है। पर गायत्री परिवार के भाई बहन को देख के लगे कि ये तो चलता फिरता देवता है, बहन लगे देवी, भाई लगे देवता, हर कोई उनके सानिध्य पाना चाहे। उपनिषदों एक शतपथ ब्राह्मण में श्लोक है, लोक पंक्ति ही, ऐसा उसमें आखिरी में आता है, स्वाध्यायी युक्तमना भवती, यहां से शुरू होकर आदमी आखिरी में आता है लोक पंक्ति ही। लोग पंक्ति बना के जिससे मार्गदर्शन लेते हों, ऐसे होने चाहिए गायत्री परिवार के हर भाई बहन को। लोग पंक्ति लगा के आए, साहब इसके बारे में हमें मार्गदर्शन चाहिए। तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब से प्रार्थना है कि ये सब उभरता हुआ पश्चिमोत्तर जोन, यदि ये जाग गया तो पूरे भारत को अकेले जगा देगा पश्चिमोत्तर जोन। और हमें अपने नारे को बदलना पड़ सकता है कि जोनों में जोन, शायद पश्चिमोत्तर जोन। तो अभी अभी तो नहीं है लेकिन संभावना पूरी है, आप सब लोगों के जागने से तो पूरा देश जाग सकता है, निश्चित रूप से पाकिस्तान भी जाग जाएगा सर। जोन की ओर से एक जय घोष है, क्या भाई साहब ने निवेदन किया, पश्चिमोत्तर जोन की ओर से एक जयकारा है, जय घोष है। आपने बोलना युवा है, क्या बोलेंगे? हम सबकी शक्ति, घर घर की शक्ति, प्रदेश की शक्ति, भारत की शक्ति, विश्व की शक्ति, गायत्री परिवार की शक्ति, परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति और परम श्रद्धेय की शक्ति, गायत्री माता की। माने लगता है कि पश्चिमोत्तर जोन बहुत जल्दी से जागने वाला है, 2-3 साल का समय दे दें साहब पश्चिमोत्तर के, 2-3 साल में पश्चिमोत्तर जोन काफी जाग जाएगा। मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब से प्रार्थना करता हूँ इन सब के भीतर में खूब शक्ति भर दें, खूब और अधिक श्रद्धा भर दें और ये अपने जैसा जाके 100-100 लोगों को बना दें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं शब्द से एक लिरिक्स से आपके सामने बोलूंगा, आप सब जानते हैं उसको क्योंकि आप यहीं के हैं। मेरे लिए ये बहुत बढ़िया था, मेरे लिए बहुत सुंदर था, मुझे कल ही मिला कि मैं यहाँ हूँ लुधियाना में, मेरे दोस्तों ने भेज दिया मुझे, मेरे पंजाबी दोस्तों ने। मैं इसलिए सुनाता हूँ कि हमारे सब लोग यहाँ जो बैठे हैं इनको भी सुनने को मिले। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक 10 मुखते जो बोले
यह उठा सच होए, नानक दस मुक्ते जो बोले यह उहा सब होए, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर दियो धरियो, चतुर दिशा कीनो बस अपना सिर ऊपर कर दियो, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, कृपा कलख अवलोकन कीनो, कृपा कलख अवलोकन कीनो, दस का दुख बिदारियो, दस का दुख मिटाया, दूसरों को दसों दस लोगों को दुख मिटाया, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, कंठले अवगुण सब मेटे, कंठले अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शिंद, कंठले अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शिंद, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। मैं अपने उस दोस्त को प्रणाम करता हूँ जिस दोस्त ने सही मौके पे मेरे पास भेजी है, अभी अभी सुबह सुबह आई मेरे पास व्हाट्सएप से। एक बार जयकारा बोलेंगे, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। भाइयों बहनों, हम सब परम पूज्य गुरुदेव की सेना के सिपाही हैं और हम सबसे बहुत अपेक्षा उन्होंने रखी है। हम सबको गुरु साहिबान की तरह से सच्चे पंज प्यारे बनना पड़ेगा, सच्चे सिपाही बनना पड़ेगा और उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर 2 साल में पश्चिमोत्तर जोन सबसे मजबूत बनेगा। मैंने 2 साल का समय दिया आपको, 3 साल नहीं, 3 साल में तो बहुत आलस्य हो जाएगा, है ना। तो चारों प्रांत 4 साल के 2 साल के अंदर बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। हमारे यहाँ उपजोन में अभी एक जो निहाल खेड़ा में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके निर्माण कार्य में पंजाब के लोगों ने सबने मदद की है। मैं परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद देता हूँ कि जल्दी से जल्दी निर्माण कर लें, मार्च में हम लोग उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, मार्च 2017। इसके अलावा जिंद निहाल खेड़ा बिलासपुर, ये 3 की प्राण प्रतिष्ठा है और कटरा का भूमि पूजन है, कटराइन में कुल्लू में जून में एक युवा सम्मेलन है। मैं इन सब कार्यक्रमों में आऊँगा, मैं और कहीं जाऊँ नहीं जाऊँ कहीं कार्यक्रम में। लुधियाना में कारपोरेट मीटिंग है एक CICU की, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स, इस कार्यक्रम में भी मैं आने की कोशिश करूंगा पूरी तरह से। मेरे साथ साथ गायत्री मंत्र बोले, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई, यहाँ उपस्थित चारों प्रांतों के हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, अभी जो गीत सुनाया गया आपको ये आपके लिए था, इसी लेक्चर के ऊपर आधारित था पूरी। कैसा बने ऐसे दूसरों को बनाना है, मन के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। कभी कभी समय ऐसा आता है, कभी कभी ऐसा समय आता है काम करने का, जब भगवान के साथ काम करने का मौका मिलता है। ये समय जो आया है ये विशेष खास समय, ये बार बार नहीं आएगा, बार बार नहीं आएगा। अगर कोई कहे कि फिर से एक बार कभी मौका आए तो हम आ जाएंगे, अभी थोड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं, पैर कांपते हैं, हाथ कांपते हैं और थोड़ा उम्र भी ज़्यादा हो गई,
जिस उम्र में आप जाग गए सबसे बढ़िया है, बस चाहे किसी भी उम्र में जुड़े हों आप लग जाइए काम में, और काम में लग जाइए तो काम में लगाएं तो ऐसे बने जैसे दूसरों को बनाना है। सबसे ज़्यादा भगवान कृष्ण ने निंदा की है दो बुराइयों की, दो बुराइयों से हमको दूर रहना है, एक है राग दूसरा है द्वेष, इसको द्वैत कहा है उन्होंने, इस द्वेष से द्वैत से छूटिए। जरूरत से ज़्यादा प्रीति, जरूरत से ज़्यादा लगाव, जरूरत से ज़्यादा आसक्ति, जरूरत से ज़्यादा आसक्ति अपनापन कि ये मेरा है मेरा है मेरा है, ये छोड़िए। आपकी आसक्ति केवल एक से होना चाहिए, बस गुरु से और किसी से नहीं। गुरु आपका अपना है और गुरु आपके साथ मिलकर के काम करने को तैयार है। राग जब हो जाता है जरूरत से ज़्यादा तो हमारे अंदर अहंकार भी पैदा कर देता है, अहंकार भी पैदा कर देता है। देखिए वो तो मेरे बहुत नज़दीक हैं, मैं तो उनसे आप कहो जो कहो बात करूँगा। कई बार लोग मुझसे कहते भी हैं कि आपकी मोदी जी से बात होती है और ये सब आपके और भी लोगों से परिचित हैं, सब बड़े बड़े लोग, तो मैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर परिचित भी हैं तो मैं उनसे क्या कहूँगा जा करके, मैं तो गुरुदेव का संदेश सुनाऊँगा और कुछ नहीं कहूँगा, और कोई खास बात नहीं करने वाला मैं। हाँ अगर वो कहें कि डॉक्टर साहब कुछ सेवा योग्य काम बताइए तो मैं सेवा बता दूंगा उनको, सेवा ये करूँगा, ये सेवा है मिशन की सेवा, मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत सेवा नहीं है, मिशन की सेवा। तो राग जो है उसको छोड़ना पड़ेगा आपको, राग से दूर हटें और द्वेष से दूर हटें। द्वेष का मतलब है आपके अंदर एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया डेवलप हो रही जिसमें आप अपने आप को सुपीरियर मानते हैं किसी से, और सामने वाले से आप जेलसी रखते हैं। जेलसी के बारे में गुरुदेव का वाक्य है, ईर्ष्या वह की उस कीड़े की तरह से है जो कपड़े को खा जाती है। ईर्ष्या जिस कपड़े को आप ओढ़े हैं उसी को खा जाती है, कपड़े को पूरी तरह से खा जाती है, कीड़े की तरह से। ईर्ष्या सबसे सबसे खराब चीज, सबसे खराब चीज ईर्ष्या जो है आदमी की आइडेंटिटी खत्म कर देती है, और दुनिया भर को नेगेटिविटी सुनाता रहता है, नेगेटिव बातें करता रहता है, कहता रहता है आपको मालूम है ये कैसे हैं, आपको मालूम है ये कैसे हैं, आपको मालूम है। ये क्या जरूरत पड़ी आपको बोलने की, इतना टाइम मिल जाता है आपको किसी के बारे में बुराई करने का, टाइम मिल जाता है? अगर आपको टाइम मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आपके पास टाइम है, वो टाइम आप गुरुदेव को दे दो और गुरुदेव के लिए लगा दो, और गुरुदेव के किताबों में से, अखंड ज्योति में से, युग शक्ति में से, युग निर्माण योजना में से अच्छे अच्छे वाक्य निकाल के दूसरों को दो। ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, बुराई मत करो किसी की भी, बस प्रीति करो, प्यार करो। राग मत करो पर प्रीति करो, प्यार करो। जब प्रेम करोगे तो आपको निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो आदमी आपका अपना हो जाएगा, आपका अपना हो जाएगा, मिशन का हो जाएगा, मिशन का हो जाएगा तो आपकी संख्या में एक की ओर वृद्धि हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। आपको ऐसा बनना है जैसा दूसरों को बनाना है, तो उसके लिए आपको अपने मन में अंदर से बहुत सारे संकल्प लेना पड़ेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने वसीयत विरासत में एक बहुत अच्छी सुंदर बात लिखी है जो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमने जीवन भर अपने आप को सजेता बनाया, और सजेता बनाने के साथ साथ हमने क्या किया, हमने अपने आप को गढ़ा, शुरू से आखिर तक गढ़ा हमने आपको, कहीं भी हमने अपनी तरफ से कोई दिक्कत नहीं रखी कि हमारी समर्पण में कोई कमी हो, हमने अपना समर्पण पूरा किया। भाइयों और बहनों, अब आप गुरुदेव से जुड़ गए हैं, वंदनीय माता जी से जुड़ गए हैं, मिशन से जुड़ गए हैं पूरी तरह से, तो आपको एक एक काम करना पड़ेगा कि परम पूज्य गुरुदेव की कुछ किताबों को कंठस्थ कर लीजिए। पहला वसीयत विरासत, माय विल एंड हेरिटेज, माय लीगेसी एंड इट्स मैसेज, जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, जो पंजाबी में भी ट्रांसलेटेड है। पंजाबी में ट्रांसलेटेड है भैया, हो चुकी है ना। मेरी वसीयत विरासत, मैं विरासत में क्या देखे जा रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा है कि मैं विरासत में वो देखे जा रहा हूँ जो कि आप सबको काम आएगा। गुरुदेव कहते हैं अपने बारे में कि किसी ने हमारे बिस्तर को देखा है, किसी ने हमारे तकिए को देखा है, किसी ने सोने के सो के उठने के बाद हमारी रातों को, रातें कैसी बीती इसको देखा है। हमारी रातें सिसकती बीती हैं, कितनी बार हम बालकों की तरह से बिलक बिलक कर रोए हैं, फूट फूट के रोए हैं, इसे कोई जानता है? लोग हमें संत सिद्ध ज्ञानी मानते हैं, कोई लेखक वक्ता विद्वान और नेता समझते हैं,
पर किसी ने हमारा अंतकरण खोल के पढ़ा कि हम कौन हैं, समझा होता कोई देख सका होता तो उसे मानवीय व्यथा वेदना की अनुभूतियों की करुण कराह से हाहाकार करती एक उद्विग्न आत्मा, देखिए मानवीय व्यथा की, सब पूरी विश्व मर मानव की व्यथा से हाहाकार करती एक उद्विग्न आत्मा भर इन हड्डियों के ढांचे में बैठी बिलकती दिखाई पड़ती। हम वो नहीं है जिसको आप समझते हैं महापुरुष भगवान, ये हम जो भी हैं हम आपके अपने अपने। इतना सुंदर व्याख्या करने वाला महापुरुष मैं सोचता हूँ कि और कोई संसार में नहीं आया, ऐसा कोई गुरु संसार में नहीं आया जिसने अपने शिष्यों से ये कहा हो हम तुम्हारे अपने हैं, जब याद करोगे हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। मेरे पास लाखों करोड़ों प्रमाण हैं जिसमें कि ये लगता है कि जिन्होंने चिट्ठी लिख करके बताया कि हमने जब याद किया तब गुरुदेव आ गए, जब हमने याद किया तो हमको बचाने के लिए आ गए, जब हमने याद किया एक्सीडेंट से बचा दिया, तकलीफों से बचा दिया। हम अपने अनन्य आत्मीय प्रज्ञा परिजनों में से प्रत्येक के नाम एक ही वसीयत विरासत करते हैं देते हैं कि हमारे जीवन से कुछ सीखें। भाई आप गुरुदेव को मानते हो पर गुरुदेव की नहीं मानते, गुरुदेव को तो मानते हो पर गुरुदेव की नहीं मानते। गुरुदेव के मानने का मतलब ये होता है कि उनके जीवन से कुछ सीखो। उन्होंने अपना जीवन एक ब्राह्मण की तरह से जिया, उन्होंने कोई जीवन में होल्डिंग नहीं की, परिग्रह नहीं किया, कोई चीज़ इकट्ठी नहीं की, उन्होंने सारी चीज़ बांट दी। मुझे याद है मैं पड़ोस वाले कमरे में बैठता था ये 1985 से लेकर 1990 तक, और गुरुदेव ने मुझे ऊपर बुला लिया था ब्रह्मचर्य का काम भी, उन्होंने कहा था यहीं से देखा करो, नीचे कोई मिलने का कोई क्रम आए तो तुम मना कर दिया करो, 5 साल के लिए मेरे साथ रहो। मुझे अवसर मिला तो गुरुदेव लिखते थे, गुरुदेव को लोग भेंट में कुछ कई सामान दे जाते थे, तो उसमें गुरुदेव मुझसे कहते थे मुझे 2 रुपये वाला जो पेन जो रिफिल वाला चलता है वही वाला चाहिए और कोई नहीं चाहिए, तो मैं उनके लिए मंगाता था और वो पेन एक ख़त्म हो जाता था, मैं रिफिल भरने कोशिश करते थे, मैं कहते थे पेन लाओ, विचार चल रहे हैं ना यहाँ मशीन की तरह चल रहे हैं, तो फिर दूसरा पेन देता था, तीसरा पेन देता था, फिर गुरुदेव कोई आता था प्रेमी तो उसको पेन पकड़ा देते थे। इसलिए मैंने फिर 1-2 दर्जन मंगा के रखे थे अपने पास पेन, पर उनके पास जो महंगे पेन आते थे वो सारे मुझे दे देते थे। मैंने कहा मैं क्या करूँगा गुरुदेव, मेरे पास तो एक ही पेन बहुत है। अरे तुम भी बांटो मेरी तरह से, तुम भी बांटो। मैंने बहुतों को बांटा पेन, बहुतों को बांटा। गुरु वही होता है असली जो खुद देता है, बांटता है, प्रेम बांटता है, सामान बांटता है, चीज़ें बांटता है और जाते समय खाली हाथ चला जाता है, कहके ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, कबीर की तरह से हमने जैसी चादर लेके आए थे वही की वही चादर हमने वैसे उसे छोड़ दी। तो गुरुदेव के पास अंतिम समय में जब जाने के बाद कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं था। एक फोटो था गुरुदेव माता जी का, वो अंदर रखा रहता था, माता जी का फोटो गुरुदेव के साथ, और एक डब्बी में सिक्के रहते थे जो गुरुदेव सबको देते थे जन्मदिन पे कोई ऊपर जाता था। धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे लोग आए जो उनसे सब सामान उठा के ले गए। एक हमारे आश्री जी थे, आश्री जी थे वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के, वो आए गुरुदेव इस अलमारी में क्या रखा है, अरे बोले कुछ नहीं बेटा माता जी का चित्र है और ये वही मुझे दे दीजिए। अरे तू ले जा तू इसको भी ले जा, वो भी ले गए। अब गुरुदेव के पास कुछ भी नहीं, गुरुदेव के पास कुछ भी नहीं, एक धोती एक कुर्ता। अंतिम समय में माता जी ने ऊपर 2 धोती 2 कुर्ते भिजवाए और उसे स्नान करा के उनको पहनाया हमने। मित्रों ये जो जीवन है ये ब्राह्मण का जीवन है। ब्राह्मण अपने कल की चिंता नहीं करता। मोदी जी ने सबको ब्राह्मण बना दिया। मत बनो परिग्रही, क्या करोगे इकट्ठा करके पैसा? अरे वो इकट्ठा हुआ पैसा तो सबके सब चला जाएगा, मिट्टी मिल गई, लोगों ने जला दिया, गंगा जी में डाल दिया, यमुना जी में डाल दिया। कोई काम नहीं आया पैसा, कोई काम आया? अरे वो तो जीते जागते आंखों के सामने हमने अपने अपने धन दौलत को लूटते देखा है। तो मित्रों ये पैसा किस काम का, उतना ही रखो ना जितना काम, जितने जितना जरूरी है उतना ही रखो ना। अरे वो भी काम मिल रहा है, लाइन लगानी पड़ रही, चलो लाइन लगाने का अभ्यास हो जाएगा तुमको। लाइन में लग जाओ, उसमें क्या दिक्कत है, लाइन में लगने का अभ्यास हो जाएगा तो उसके बाद क्या VIP नहीं बनोगे, लाइन तोड़ के जाना, ऐसे जाना ऐसे नहीं जाओगे। मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था तो मुझे लेकर के 3-4 GMR के ऑफिसर आए और बोले सर आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप ऐसे चलिए ना। मैंने कहा नहीं लाइन में लगो, मैं अब इनके सामने से निकलूंगा तो ये सब के सब ये सोचेंगे, मन में कहेंगे नहीं सोचेंगे ये कौन से VIP हैं भाई, जाना सभी को एक प्लेन में ही है,
एक ही फ्लाइट में जाना है, मैं जल्दी भी चला जाऊंगा तो क्या कर लूंगा अंदर जाके, कोई मैं लेक्चर तो नहीं दे दूंगा सबको तो मेरे को सबके साथ ही जाने दो, आम जनता के साथ बनने दो। उन्होंने, मोदी जी ने ब्राह्मणत्व सिखा दिया हमको, ब्राह्मण गुरुदेव ने गायत्री के माध्यम से हम सबको ब्राह्मण बना दिया। हमारी जाति क्या है, हम किसी से नहीं पूछते कि तुम क्या हो, कायस्थ हो कि तुम से शेड्यूल कास्ट के हो, शेड्यूल ट्राइब के हो, हम आराम से बैठ के खाना खाते हैं, सबके साथ बैठ के खाना खाते हैं। हमारा भोजन जो बनाती हैं बहनों भाइयों, हम दोनों का, मेरा और जीजी का भोजन, और इसके अलावा और जो हमारे साथ रहते हैं, जो चिन्मय रहता है, चिन्मय की पत्नी रहती है, हम सबका भोजन, और हम सबके साथ साथ कम से कम कुछ नहीं 10,000 कार्यकर्ताओं का नीचे का भोजन वो बनाती हैं जो शेड्यूल ट्राइब की और शेड्यूल कास्ट की लड़कियां हैं। हमने सबके धर्म भ्रष्ट कर दिए, सबके धर्म भ्रष्ट कर दिए हमने, सबको हमने भ्रष्ट कर दिया, पर वो लड़कियां नहीं हैं, वो देवकन्याएं हैं। वो जप करती हैं, तप करती हैं, माता जी गुरुदेव के सामने बैठ के अखंड दीपक के सामने तप करती हैं, और हमारे साथ रह करके बाकायदा दिन भर पूरा सुबह से शाम तक का रूटीन उनका ऐसा रहता है, साधक का रूटीन होता है ऐसा। लड़कियां एक हीरा जैसा बन के जाती हैं, और जब जाती हैं अपने घर तो उनके पिताजी माताजी कहते हैं तुमने क्या बना दिया, गुरुदेव माताजी डॉक्टर साहब जी जी आपने क्या बना दिया इनको, आपने तो हीरा जैसा बना दिया, हमने तो एक अनगढ़ सी भेजी थी। मित्रों हमें अनगढ़ से सुगढ़ बनना है, अनगढ़ से सुगढ़ बनना है, हमें अपने आप को तैयार करना है आने वाली चुनौतियों के लिए। हमें नेता नहीं बनना, हमें सृजेता नहीं, हमें युग निर्माण की श्रृंखला में एक सृजेता बनना है, पर हमें नेता नहीं बनना। नेता बनना होता तो मैं ही बन जाता भाई, हो सकता है कि मैं मंत्री भी बन जाता, केंद्रीय मंत्री बन जाता, 50 गालियां खाता है, 50 लोगों की गालियां खाता है, और सब आप लोग माइक से देख, इस पे टीवी पे देखते, राज्यसभा सदस्य बने डॉक्टर साहब बड़े गलत बने, बड़े गलत बने, बड़े गलत बने। अरे हमारे डॉक्टर साहब जिनके इतना इतना सम्मान करते हैं, उनका वहाँ इतना असम्मान हो रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ और लोग गाली दे रहे हैं वहाँ से, दूसरी अपोजिशन पार्टी वाले। नहीं, ये संसद हमारे लायक नहीं है, हमारी संसद तो अपनी संसद है जिसमें आप लोग बैठे तो जब हम वहाँ नहीं गए, गुरुदेव वहाँ नहीं गए, गुरुदेव ने स्वीकार नहीं किया अपने ताम्रपत्र, और जो मिला उनको तो गुरुदेव ने ताम्रपत्र हमें दे दिया, इसको एग्जीबिशन में लगा देना मेरी जब बने तब, और ये जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी की पेंशन है इसको तुम हरिजन फंड में, हरिजन फंड में, गुरुदेव के दिमाग में हरिजन फंड था, और हरिजन फंड भी लोग खा गए सब पूरे के पूरे, हरिजन के नाम पे जो फंड था वो खा गए, पर हमने तो, हमें प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दिया, उसको प्रधानमंत्री राहत कोष में रहेगा। गुरुदेव का वेतन, गुरुदेव के नाम से जो पेंशन आती थी वो आती रही, जब तक आती रही तब तक वह जाती रही। मित्रों हम में से सबको एक काम करना है, हमको तय करना है हमको क्या बनना है, हमको क्या बनना है, हमको ऐसा बनना है जैसे दूसरों को बनाना है। आपको नए व्यक्ति तैयार करने हैं, नए लोग तैयार करते हैं, नए कार्यकर्ता तैयार करने हैं, तो आप ऐसे ही बनो जैसे उनको बनाना है। आप अच्छा बोलो, मीठा बोलो, कड़वा मत बोलो, कभी आप अहंकार में बात मत करो। तुम क्या जानो, तुम तो अभी जुड़े हो 2 साल से, मैं 40 साल से गुरुदेव को जानता हूँ। डॉक्टर साहब के साथ तो मेरी रोज की बैठक होती है, रोज शाम को चर्चा होती है मेरी। अब आप ऐसा बोल करके अपने अहंकार को प्रदर्शित करते हो, सारी ऐशनाएं चली जाएं, पर 3 ऐशनाएं नहीं जाती, लोकेशना वित्तेशना पुत्रेशना, लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना। ऐशना का मतलब बताता हूं, ऐशना यानी इच्छा, सम्मान मिले मुझे समाज में वो लोकेशना, मुझे लोग सम्मान दें, अरे दीवानो अरे पहचानो मैं हूं कौन आपने गाने की लाइन सुनी होगी, अरे दीवानो अरे पहचानो मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन आप लोग हमेशा दूसरे को पहचानने की कोशिश, पहचानवाने की कोशिश करते हो। देखो आपने पहचाना नहीं हमको, आपने हमारा दुपट्टा नहीं देखा कितना सुंदर लगा रहा हुआ है, देखिए आपने हमारे पीले कपड़े नहीं देखे कितने सुंदर पहन रखे हमने, और मान लो कभी आपको सिविल ड्रेस पहनने को मिल जाए तो उसमें भी आप अच्छी ड्रेस तैयार होने की कोशिश करते हैं। भाइयों बहनों लोकेशना में हम उन्मत्त हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, और उन्मत्त होने के बाद फिर आप अपने अहंकार से सामने वाले को पूरी तरह से आहत करते हैं। आपका अहंकार नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको ऐसा नहीं बनना है। ऐसा बने जो दूसरों को बनाना है वो बात की बात है, पहले ऐसा नहीं बने जो 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 आपको बनना है। लोकेशना दूसरी है, पुत्रेशना, पुत्रेशना यानी बेटा बेटी बहू पत्नी, और इसके अलावा वासना, काम वासना, इन सब में अपनी शक्ति नियोजित नहीं करनी,
अपने आप खड़े हो जाएं, मिशन के लिए खड़े हो जाएं, बहुत अच्छा। नहीं खड़े होते तो आप उनके पीछे शक्ति मत कर नष्ट करो। आप तो अपना जीवन देखो, हर व्यक्ति अपना जीवन लेके आया है, हर व्यक्ति के पास अपना खुद का वो है व्यक्तिगत जीवन, और उसके बाद उसको एक एक सीमा ऐसी आएगी जब वो चला जाएगा तो अकेला ही जाएगा, कोई साथ में नहीं जाएगा। बॉडीगार्ड भी नहीं जाते, सिक्योरिटी वाले भी नहीं जाते साथ में, तो सिक्योरिटी वाले भी हमारे साथ चलेंगे वहाँ तक यमराज के पास, कोई नहीं जाएगा, आप अकेले जाएंगे, पत्नी भी नहीं जाएगी, बेटा भी नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि आपको पुत्रेष्णा को दिन में जीवन में किसी हालत में स्थान नहीं देना है। मैं ये कहना, मेरे कहने का मतलब ये कि ये लोकेष्णा और पुत्रेष्णा ये दोनों आने पाए। तीसरा वित्तेष्णा, पैसा कमाने की धुन, क्या करोगे? अब तो कर ही नहीं सकते आप, अब तो कर ही नहीं सकते, आप कमाओगे भी तो रखोगे कहाँ, जगह ही नहीं, अब तो बची नहीं। पैसा कमाने की धुन, पैसा इकट्ठा करने की धुन, चढ़ावे में पैसा आया उसी में से निकाल के रख लिया अपनी जेब में, ये भी गलत। जो भी समाज का पैसा है उस समाज के पैसे से आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। समाज का पैसा समाज के पास, उसकी रसीद दो, बाकायदा हर चीज की रसीद दो। हम तो दान की कोई भी चीज मिलती है हर चीज की रसीद भेजते हैं, कोई देता है तो हम उसको सामान देता है सामान की भी रसीद भेजते हैं। प्रामाणिकता हमारी इसी वजह से है, इसीलिए गायत्री परिवार का हर व्यक्ति ये समझता है कि ये दान जो जा रहा है सही जगह जा रहा है, इसलिए इसको हम भेजेंगे, नियमित रूप से भेजेंगे, कभी कमी नहीं रहने देंगे। इसलिए मित्रों, ये वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा और लोकेष्णा, इन तीन से आप बचना। जो यश की कामना जो होती है ना, यश पाने की कामना, वो ऐसी चिपक जाती है कि फिर वो छोड़ती नहीं कभी। बाकी सब चले जाएंगे पर यश नहीं जाएगा, यश की कामना नहीं जाएगी। यश की कामना जो है वो आदमी को पागल बना देती है, और उस पागल बनाने में क्या इस चक्कर में क्या होता है कि फिर आप जो है ना किसी को नहीं देखते, फिर तो जितने रास्ते में आपको मिलेंगे सबको ठोकर मारते हुए आप निकल जाएंगे, क्योंकि आपको ऊंचा उठना है। ऊंचा उठना है तो आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा बनो, जैसा कल शाम को बताया था, स्पिरिचुअली हाइट, स्पिरिचुअल हाइट्स को क्रॉस करो, साधक बनो, अच्छे श्रेष्ठ साधक बनो, दूसरों को जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सको उतने लोगों को जोड़ने की कोशिश करो। और जो अग्रिम पंक्ति में चलते हैं वो उत्तरदायित्व उठाने वाले होते हैं, तो जिम्मेदारी उठाओ, महामानव बनो, देव मानव बनो। जो आज जो मनुष्य है, हम सब जितने हैं नर मानव हैं, पर हम उठ के आए हैं, नर पशु, नर पिशाच, नर पशु नर पिशाच और नर कीटक से उठ करके हम नर मानव बने हैं। अब नर मानव से हमको देव मानव बनना है, अभी हमको बनना है। अगर हम अच्छे काम करेंगे, श्रेष्ठ काम करेंगे, देव मानव बनेंगे, और देव मानव से हम महामानव बनेंगे, हमारा नाम लिया जाएगा, भगत सिंह की तरह से हमारा नाम लिया जाएगा, विवेकानंद की तरह से हमारा नाम लिया जाएगा, श्री अरविंद की तरह से, रामकृष्ण परमहंस की तरह से, अगर हमने अच्छे काम किए तो ये बहुत सीमित समय है, बहुत सीमित, किसी को नहीं मालूम। अभी यहाँ बैठे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं, आगे निकले, बाहर निकले, एक्सीडेंट हो गया, चले गए ऊपर, कब मौत आ जाए किसी को नहीं मालूम। इतने सारे 35 लाख से ज्यादा ज्योतिषी हमारे यहाँ हैं देश में, 35 लाख में से किसी एक ज्योतिषी के मुंह से भी निकला था कि नोटबंदी होने वाली है? आप बताओ, ज्योतिषी अगर सही होते तो ज्योतिषी ये कह देते भाई पैसा जमा करके रख लो, क्यों, नोटबंदी होने वाली है, हमने पढ़ लिया दिमाग से उनका, मोदी जी का। नहीं, कोई नहीं कर पाता, कोई आपकी फोरकास्ट नहीं कर सकता, भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। भगवान ही आपको एहसास कराएंगे, जल्दी तैयारी कर ले, आ जा। पहले भेजेंगे थोड़ा सा छाती का दर्द, फिर भेजेंगे एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, फिर भेजेंगे डायबिटीज, फिर भेजेंगे हाइपरटेंशन, फिर भेजेंगे ब्लड प्रेशर, वो आपको हार्ट अटैक, फिर हार्ट अटैक के बाद कहेंगे अब भी समझ जा, अपनी जीवन शैली को सुधार, ठीक कर। ये सारे सिग्नल्स हैं भगवान के, सिग्नल्स हैं कि आने की तैयारी करो। मैं कई लोग आते हुए समझाता हूँ, ये सिग्नल्स हैं, चिंता मत करो, संभालो अपने आप को, जीवन शैली ठीक करो, संतुलित करो। कोई आप कोई वो नहीं हो, विक्टिम नहीं हो भगवान के, भगवान आपको बुलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अरे जाना है तो ग्रेस के साथ जाओ, मजेदार ढंग से जाओ, आनंद के साथ जाओ। ऐसे क्या जाना, रोते रोते जाना, अस्पताल में मर के जाना, ऑक्सीजन लगी हुई, और सबके बेटे को बुला रहे हैं, बेटा तेरे सिर पे हाथ फेर दूँ, बेटा तू आ जा, तू भी तेरे सिर पे हाथ। मोह अंतिम समय तक नहीं जाता, मोह बराबर बना रहता है। अरे भगवान से मोह करो ना, भगवान से प्यार करो ना, भगवान से बड़ा कोई प्यारा नहीं है हमारा।
भगवान से प्यार करोगे तो फिर सारी संपत्ति भगवान के नाम पे लगा दोगे, क्या करोगे पैसा इकट्ठा करोगे? लगा दो, हमारे निहाल खेड़ा में शक्तिपीठ बन रहा है उसमें लगा दो, लुधियाना में बन रहा है, चेतना केंद्र बन रहा है इसमें दो, कहीं ना कहीं तो दो। नहीं साहब वो तो अब ऐसा है कि अब तो बहुत सोच समझ के पैसा करना पड़ता है, तो सोच समझ के करो ना, मैं कह रहा हूँ सोच समझ के पैसा खर्च करो, भगवान के काम में इन्वेस्टमेंट करो, भगवान के काम में इन्वेस्टमेंट करोगे तो कई गुना हो जाएगा, आपकी जिंदगी थोड़ी और बढ़ जाएगी और स्वस्थ जिंदगी बढ़ेगी, ऐसी जिंदगी नहीं बढ़ेगी स्वस्थ जिंदगी बढ़ेगी। इसलिए ये आप अपने जीवन की शैली को बदलो, जीवन शैली को बदलो और देव मानव की जीवन शैली अपनाओ, ऐसा बनो जैसे दूसरों को बनाना है। लोग आपको देख के कहें अरे आदमी था तो वो था, आदमी था तो वो था, उसको उसको सोच सोच के उसके बारे में सोच सोच के बार बार याद आता है कि वो कितना बड़ा काम कर गए। ऐसा ना हो कि आपके बारे में जाने के बाद लोग कहें अच्छा वह चला गया, बेकार आदमी था, दूसरों को तंग करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, उसने बड़ा बड़ा कष्ट देता था, बड़ा परेशान करता था। ऐसा ना हो, ऐसी अपकीर्ति बहुत खराब है। बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा, वरिष्ठतम पद, उच्च शिखर पर पहुंचने वाला पद पाने की कामना रखो आप। अग्रगामियों की प्रमुख भूमिका कैसी है? जैसे भगवान राम ने सेतु बनाया था, उस सेतु में उन्होंने सबको लगाया, नल नील को लगाया, रीच वानर को लगाया, और इसके अलावा गिलहरी को भी लगा दिया, तू भी लग, तू भी लग, उसने भी थोड़े थोड़े से दाने ला के, सेरेत के दाने ला के लगाए। इन सब के न होने से क्या सेतु नहीं बनता? अरे भगवान को तो एक छलांग लगानी थी, सबको लेके एक साथ लगते और सीधे लंका जाते, लंका जाने की जरूरत नहीं थी, लंका की तरफ देख भर लेते, लंका मर जल जल के भस्म हो जाती, सीता जी आ जाते, वापस आ जाती, पर उनको तो लोगों को निमित्त बनाना था, इसलिए सेतु बन, सेतु बंधन, ब्रिज बनना रामेश्वरम का, वो श्रेय देने के लिए, गोवर्धन उठना श्रेय देने के लिए। भगवान कृष्ण ने छोटी उंगली पे उठा लिया, पानी खूब तेज बरसने लगा, इंद्र भगवान गुस्सा हो गए, अरे हमारी पूजा नहीं होगी थी, हमारी पूजा नहीं होती गोवर्धन में, ऐसे किसे लोग आ गए, कौन नास्तिक लोग आ गए? बोले सब वो कृष्ण कर, कृष्ण कर्ण कन्हैया का नाम सुनने के बाद भी उसको अकल नहीं आई कि अरे भगवान खुद गए नीचे कंस से लड़ने के लिए और दुष्टता से लड़ने के लिए। वो बोलता है सारी की सारी सेना लगा दो अपनी पूरी, तो वरुण देवता लग गए, वायु देवता लग गए, खूब तेज हवाएं चलने लगी, खूब तेज बारिश, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उंगली पे उठा लिया, ऐसे ही छोटी उंगली, बड़ी उंगली पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, हाथ पे भी नहीं, छोटी उंगली, वो छोटी उंगली पे उठा के उन्होंने जैसे ही उठाया तो बाकी सब के सब जितने भी थे ग्वाल वाल वो सब कहने लगे कृष्ण कन्हैया तेरी उंगली टूट जाएगी रे, हमने लाठियों पर टिका रखा ना, हमने भी लाठियां लगा रखी अपनी, तो तू हटा ले अपनी उंगली। बोले मैं अपनी उंगली हटाऊंगा तो कोई दुर्घटना तो नहीं घट जाएगी? अरे बोले नहीं कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत कर, तू हटा ले अपनी उंगली, तेरी उंगली टूट जाएगी, तू नीचे हटा ले। जैसे भगवान कृष्ण ने उंगली हटाने चालू की, लाठियां चरमराने लगी, चर 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 करके टूटने लगी। क्यों? क्योंकि वो उंगली पे खड़ा था और लाठियों पे नहीं खड़ा था गोवर्धन, भगवान की उंगलियों पे खड़ा था, और लाठियां टूटने लगी तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर से लगा ले उंगली। भगवान ने फिर से उंगली लगा ली, भगवान का उठाया गोवर्धन आज भी रखा हुआ है, आज भी लोग उसकी परिक्रमा करते हैं, पर केवल इसीलिए याद करते हैं कि ये गोवर्धन उठा करके भगवान ने संघ शक्ति को महत्व दिया था, ग्वाल बालों को महत्व दिया था, ग्वाल बाल, नल नील, रीछ वानर, ये सारे के सारे जो है निमित्त बने। स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, चाहे वो गांधी जी के सैनिक हों, और चाहे वो विवेकानंद के सैनिक हों, चाहे वो लक्ष्मी महारानी लक्ष्मीबाई के सैनिक हों, चाहे गुरु गोविंद सिंह के सैनिक हों, सबके सब अपने आपने पूजनीय है हमारे लिए, वो इन लोगों की वजह से आज़ादी हमें मिली, हमें आज़ाद भारत मिला, हिंदुस्तान मिला, मैं तो आज़ादी के बाद पैदा हुआ हूँ। परंतु मित्रों मैं मुझे कभी कभी लगता है कि ये कैसी आज़ादी देखने के लिए हम आए, जिस आज़ादी में लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, उस लूट को रोकने का काम चालू हो गया है अब पूरे देश में, लूटबंदी को रोकने का काम हो गया है। स्वयं बने, स्वयं करें, एवं अनुशासन अपने जीवन में उतारें, अपना दीपक स्वयं बने। बुद्ध ने कहा अपना दीपक स्वयं बनो, किसी और की मत देखो कि तुम भैया तुम्हारी लाइट फेंक दो इधर, टॉर्च फेंक दो, तुम टॉर्च से लाइट दे, अपना दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बनो, स्वयं अपना दीपक लेके चलो और आप चले जाओ। एक आदमी आया जंगल में और उसने कहा कि भाई साहब ऐसा ऐसी ऐसा दीपक दीजिए जिससे प्रकाश पूरे जंगल में हो जाए। पर दीपक से तो नहीं होगा प्रकाश, हाँ इतना हो जाएगा आपके आसपास चारों तरफ प्रकाश हो जाएगा, आपके चारों तरफ प्रकाश हो जाएगा, आपस चलते चले जाना
आप जंगल पार कर जाओगे। उसकी समझ में नहीं आया, उसने कहा ये फालतू की बात करता है, वो नहीं वहीं सो गया। दूसरा आदमी आया उसने कहा कि दीपक चाहिए भाई, दीपक लो, दीपक ले जाऊं आपके यहाँ से? हाँ ले जाओ। दीपक ले गया, जंगल पार कर गया पूरा। जहां जहां जाता प्रकाश वहां जाता। अप दीपो भव, भगवान कृष्ण भगवान बुद्ध ने पहला संदेश दिया, अपने दीपक स्वयं बनो, तुम अपना दीपक स्वयं बनो। अगर आप अपना दीपक बन जाएंगे तो आपके गुण, आपके प्रकाश, आपकी आभा, आपका तेज, आपका गुणों की कीर्ति सब साथ साथ चलेगी आपके, और आपके पीछे पीछे जनता चलेगी। फिर आप नेतृत्व करने वाले बन जाएंगे, लीडरशिप डेवलप करो। आपको चार गुण अपने अंदर डेवलप करना पड़ेंगे, चार गुण बस। ये चार गुण अगर आपने डेवलप कर लिए तो आपकी प्रतिभा परिष्कृत हो जाएगी। भगवान किसी को देता है तो क्या देता है? प्रतिभा, प्रतिभा। भगवान किसी को पैसे नहीं देते, भगवान किसी को महल नहीं देते, भगवान किसी को पोस्ट नहीं देते, भगवान किसी कुछ नहीं देते, भगवान देते हैं प्रतिभा, देते हैं प्रतिभा, टैलेंट, प्रतिभा। जो प्रतिभा आती है तो वो खरादी हुई आती है, चमकदार आती है। प्रतिभा को चमकाने के लिए चार चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, कैपेसिटी बिल्डिंग, अपनी क्षमता को विकसित करो, अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करो। जितना बड़ा पात्र होगा उतनी ही ज्यादा चीजें आएंगी उसमें। अरे भैया भगवान दे रहा है, बड़ा पात्र ले लो, अपने आप को बड़ा बना लो, अपने आप को चौड़ा बना लो। संकीर्ण मत रहो, सकरे मत रहो, चौड़े बन जाओ। लेने के मामले में, देने के मामले में, सबके मामले में उदार रहो। बस अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करो, बिल्डअप करो। कैपेसिटी को बढ़ाना यानी साधना, जीवन साधना। जीवन साधना से अपनी कैपेसिटी को, अपनी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करो। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं मित्रों, वो आप कर सकते हैं अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करना। अभी आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि आप किसी के सामने जाएं मिलने के लिए तो आपको वो मिलने के लिए बुलाए अंदर या आपसे बात करें। व्यक्तित्व को ऐसा बना लो कि आपके आने के साथ ही लोग ये कहें अरे ये तो गायत्री परिवार के परिजन आ गए, मिलेंगे इनसे, मिलेंगे, बात करेंगे। व्यक्तित्व को परिष्कृत बनाओ, व्यक्तित्व को परिष्कृत करो। व्यक्तित्व की जितनी खूबियां हैं, जितनी क्वालिटीज हैं, उनको आप परमार्जित करो। इतना मीठा बोलो कि सामने वाला कहे, अपने गुरु की बात करते हुए भी ये अपनी बात करते हुए कहीं अहंकार इसके मुंह से नहीं निकला। व्यक्तित्व को परिष्कृत करो, रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तीसरा है मित्रों, आप जो कर सकते हैं वो है व्यवस्था बुद्धि का विकास, मैनेजरियल कैपेबिलिटी को डेवलप करना। मैनेजरियल कैपेबिलिटी, व्यवस्था बुद्धि जिसकी अच्छी होती है, बढ़िया होती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती जीवन में, वो हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है। व्यवस्था बुद्धि कहते हैं जरा सी बातों को टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे मैनेज कर लेना, टाइम पे लेक्चर पूरा कर लेना, और टाइम पे अपना खाना खा लेना, टाइम पे सो जाना, सुबह से शाम तक का रूटीन बिल्कुल क्रमबद्ध हो, संयमित हो, जीवन शैली बहुत व्यवस्थित हो, हर चीज टाइम पे, हर चीज समय पे, समय का संयम करने का भाव हो मन में। ये आप सुबह से लेकर शाम तक जो काम आपके सामने आते हैं उन सबको आप नोट करते चलो जाओ। जो आपको इस पे भरोसा मत करो, मस्तिष्क पे, मेमोरी पे भरोसा मत करो, ये याद रहेगा याद रहेगा, फटाफट लिख लो। मैं लिख लेता हूँ और लिखने के बाद तुरंत अपने इसमें स्मार्टफोन में डाल देता हूँ। स्मार्टफोन से आई क्लाउड में चला जाता है, आई क्लाउड से मेरे आईपैड और कंप्यूटर में चला जाता है। मैं टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलता हूँ, इसलिए मेरे साथ सारी चीज़ें रहती हैं, याद रहती हैं, मुझे हर चीज़ याद रहती है। आप भी अपने आप को डेवलप करो, डेवलप करने में कोई दिक्कत नहीं, याद रखना चालू करो, अपने हर काम को याद रखना चालू करो। पति ने कहा था ये कर लेना, ये कर लेना, पत्नी जी भूल गई तो पति की डांट खानी पड़ी शाम को, मन भी मेला हो गया, खट्टा हो गया मन में सब। आप व्यवस्था बुद्धि विकसित करो, तीसरा गुण। और चौथा गुण है लीडरशिप, नेतृत्व। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, दुनिया तुम्हारे पीछे चलने को तैयार है। अभी जो ये लाइन लग रही थी ना, ये इसकी एक आदमी खड़ा हुआ था, दूसरे से आके पूछा कि भाई साहब ये एटीएम की लाइन कहाँ से चालू होती है? तो तू पीछे खड़ा हो जा, तेरे पीछे लाइन लग जाएगी। तू मेरे पीछे खड़ा हो जा, तेरे पीछे जो लाइन लग जाए वो समझ लेना एटीएम की लाइन है। बस मैं धीरे धीरे एटीएम तक जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एटीएम तक, तो एटीएम तक मैं जा रहा हूँ, तू भी मेरे पीछे पीछे आ जा। आगे खड़े होने वाला, अग्रिम नेतृत्व लेने वाला वो व्यक्ति हमेशा लीड लेता है, और लीड लेने की वजह से हमेशा प्रसिद्ध होता है, अभिनंदन पाता है। मित्रों, गांधी जी के आमंत्रण पर बहुत सारे लोग गए, पर कुछ लोग ऐसे थे जो सिलेक्टेड लोग थे जिन्होंने जीवन में बदलाव पाया।
कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ अपनी जीवनचर्या को निकाला, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने विवेकानंद के आधार पर अपनी जीवन शैली को बनाया। एक किसी के किसी को अपना नेता मानकर को उसका नेतृत्व, हम तो कहते हैं हम किसको मानते हो नेता, गुरुदेव को मानो ना अपना नेता, और गुरुदेव को नेता मानकर के गुरुदेव के आदर्श को, आदर्श पुरुषों के, आदर्श व्यक्तियों के साथ उनको स्टील प्लांट मानते हुए आप भी ढल जाओ उन्हीं के साथ, आप ढल जाओगे तो देखते देखते बन जाओगे। लुधियाना उद्योग नगरी है, बड़ी प्यारी नगरी है, बहुत प्रदूषण भी बहुत है यहाँ पे, आप वैचारिक प्रदूषण से बचना, बाकी सारे प्रदूषण तो निकल जाएंगे पर विचार का प्रदूषण नहीं आने पाए कभी भी, कभी भी विचारों में गंदगी ना आने पाए, कभी विचार नेगेटिव ना होने पाए, नेगेटिविटी आउट पॉजिटिविटी इन, बस ये सूत्र आप याद रखना, पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी आउट, अगर आपने ये याद रखा तो आप हमेशा सही रहोगे, ऐसा बने दूसरों को बनाना है। आप लोग खूब खूब मंगल कामना, खूब खूब गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में हमेशा सुख खुशहालियाँ आए, कोई बीमार हो तो उसके मन में अंदर से हिम्मत आ जाए लड़ने की, कि गुरुदेव को कह तो दिया है बस, अब क्या है, अब क्या है, आप चिट्ठी लिखो और गुरुदेव के फोटो के सामने रख दो, आपकी चिट्ठी गुरुदेव के पास पहुँच जाएगी। ये मत सोचो कि शांति कुंज नहीं दी हमने, डॉक्टर साहब के हाथ में नहीं दी, कोई बात नहीं, आप मन खाली करना सीखो, मन खाली करना सीखो। मन खाली करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि अपनी बात को कह दो, बस गुरुदेव के सामने कह दो। मैंने हजार बार इस तरीके को अख्तियार किया है, जब मैं पढ़ता था मैं अपनी बात को रख देता था गुरुदेव के सामने, मेरे काम हो जाता था उस दिन, अगले दिन का काम भी हो जाता था। आपका भी होगा, सबका होगा। इसलिए सबसे पहले जो है अपने नेता को, अपने गुरु को अपना अभिभावक मानते हुए, अपना पिता मानते हुए सबसे पहले उनसे बात करना सीखो, और बात करते समय ध्यान रखो कि मन में किसी तरह की वो मत आने दो, कमजोरी मत आने, मन दुर्बल न होने पाए। आखिरी में गीता का श्लोक सुना के अपनी बात समाप्त करता हूँ। भगवान कहते हैं तू मेरे को सब समर्पित कर दे, मय्येव मनादत्स्व मयि बुद्धिम् निवेशय, तू मेरे में मन लगा दे, मेरे में बुद्धि लगा दे, मेरे में अपना मन, मेरे में बुद्धि और मेरे मन में निवास कर। निविशेषसि मय्येव, तो मेरे अंदर निवास करेगा तो ये बिना किसी संशय के कहता हूं कि तू ऊंची गति को प्राप्त होगा, तू आगे बढ़ेगा, तू कभी पीछे नहीं हटेगा। 12वें अध्याय का श्लोक है। एक और है, मद्याजी माम नमस्कुरु, तू मेरे में मन को लगा और मेरे को नमस्कार कर, और तू जान मान करके चल कि मैं तेरे साथ हूं, हर पल तेरे साथ हूं, पर एक काम जरूर कर, मुझे याद कर, मुझे हर पल याद कर। योगेश्वर श्री कृष्ण जो है इस युग के लिए, सारे युवाओं के लिए एक आदर्श युवा है, और योगेश्वर श्री कृष्ण के रूप में मैंने गुरुदेव को देखा, योगेश्वर श्री कृष्ण के रूप में आप भी देखने की कोशिश करें। उन्होंने ये कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु समस्त समयों में योग युक्तो भव अर्जुन, हे अर्जुन तू योग युक्त हो जाए, योग में योगी बन जा, योग मेरे साथ कर, मेरे साथ मिलके कर, जब तू श्वास का प्राणायाम कर तो भी मेरे साथ मिलके कर, तू ये मान के चल तू मेरा है, बस मेरा है। जो उन्होंने प्यार अर्जुन को दिखाया वो आपको भी दिखाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। खूब खूब मंगल कामना है। सदैव भाई साहब का खूब खूब आभार।